बातचीत पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, CDS बिपिन रावत भी शामिल। चीन और भारत के सैनिकों के लद्दाख की गलवान वैली में बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने भारतीय सेना को लद्दाख में सेना की मौजूदगी के लिए खुली छूट दे दी है और इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सर्विस चीफ के साथ पूरे फेस ऑफ को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सूत्रों बता रहे हैं कि इसमें कुछ कड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। इसके साथ में डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत जारी रहेगी। चीन को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना पड़ेगा और कहीं से भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा। बता दें कि चीन और भारत के सैनिकों के लद्दाख की गलवान वैली में बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। वहीं चीन ने उसकी तरफ हुए नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि चीन के करीब 35 से ज्यादा सैनिक इस झड़प में हताहत हुए हैं। वहीं भारत सरकार ने भारतीय सेना को लद्दाख में से की मौजूदगी को लेकर खुली छूट दे दी है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने सेना को इमरजेंसी पावर दे दी है। केंद्र ने सेना को कहा है कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए स्वयं फैसला ले सकते हैं। बता दें कि सोमवार रात LIC पर मौजूद गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। सेना के सूत्रों के अनुसार भारत की पूरी कोशिश है कि वह सीमा पर डटे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना की मजबूती का प्रदर्शन करे। यही ध्यान में रखते हुए सेना को इमरजेंसी पावर दे दी गई है। 10 News हिंदी रिपोर्ट।